राकेश बापट के साथ अपनी नजदीकियों तथा केमिस्ट्री को लेकर समिता सेट्टी ने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। हालांकि बिग बॉस ओटीटी के ये लव बर्ड अब एक दूसरे से सीमित दूरी रख रहा है। इतना ही नहीं, दोनों को कई बार एक दूसरे से किसी न किसी मसले को लेकर इन दिनों विवादों करते हुए देखा जा चुका है। वहीं हाल ही में बिग बॉस ओटीटी लाइव स्ट्रीमिंग में देखा गया कि समिता सेट्टी राकेश से बुरी तरह लड़ रही थी, क्योंकि राकेश ने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया जब उनका दिव्या अग्रवाल से झगड़ा हो रहा था। इसके पश्चात उसने नेहा बसिन चर्चा करते हुए देखा गया, जिसमें उन्होंने बेहद ही चौंका देने वाला कन्फेशन किया। राकेश बापट के साथ अपने रिलेशनशिप पर नेहा बसिन से चर्चा करते हुए समिता सेट्टी ने कहा कि राकेश मेरे लिए सही आदमी नहीं है। वहीं यह समिता तथा राकेश की जोड़ी को पसंद करने वाले बिग बॉस ओटीटी के प्रशंसकों के लिए बहुत ही चौंका देने वाला बयान था। यह सब तब हुआ जब राकेश के बोलने पर समिता ने टास्क के लिए दिव्या अग्रवाल से हाथ मिलाया था। दिव्या और समिता के बीच बिल्कुल भी अच्छी बातचीत नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने राकेश के बोलने पर दिव्या से हाथ मिलाया। लेकिन उस समय हर कोई हैरान रह गया जब दिव्या ने समिता को धोखा दे डाला तथा अंतिम समय में उन्होंने मूछ जटाने से हाथ जा मिलाया। तत्पश्चात समिता राकेश पर जमकर भड़की और कहा कि मैंने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया तथा वह उनके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।